युद्ध का स्वरूप जैसे जैसे बदलता है, लोगों की जरूरतें बदलती हैं। हम इस समय एक परमाणु निरोधक बंकर में हैं, यानी एक ऐसा बंकर जो आपको न्यूक्लियर हमले की स्थिति में बचाएगा। आप अगर इन 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 दरवाजों को भी देख लें, इनकी मजबूती देख लें, जिन्हें हमने खोलकर इस समय रखा है, लेकिन आमतौर पर इसे सुरक्षा के लिए बंद किया जाता है। ये उस समय की बात है जब सोवियत संघ हुआ करता था, यानी यूएसएसआर हुआ करता था, और उस समय किसी भी तरीके के परमाणु हमले से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। आज आपको इसकी दीवारों में वो पुरानापन तो नजर आएगा, लेकिन इतिहास का जो वो पुरानापन था वो आज के रिश्तों में दो देशों में उस हिसाब से नजर नहीं आता। इसके भीतर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के समय की चंद यादें यहां पर भी मौजूद है। सोवियत संघ के समय काल को हम देखें, उस समय का ये बॉम्ब शेल्टर है, और इसीलिए यहां पर वो चीजें भी हैं जो 80 के दशक से यहां रखी हैं। अब उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन इन गैस मास्क को देखिए, जो अभी भी यहां पर जो बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं उसके भीतर महफूज रखे हैं। दिस इज अ गैस मास्क बट आई गेस इट कांट बी यूज्ड एनीमोर। Yeah, so I think they were placed here in the year 1980. We found a sort of a note in one of the crates, and obviously they're all past their prime. If they had any use in case of a nuclear war, then they definitely do not at this moment. This is useless. The filter that would be attached to a gas mask is useless. What has found use are the pouches that were sort of added to the crates to kind of store the gas masks in case of them having to be used. What the pouches have been used for is the strap. So this one does not have a strap. It's been cut off. And the straps have been implemented as straps for AKs, because some of the AKs came without straps. So this was an absolute godsend to the troops once we unearthed these crates. वो यही बता रहे हैं कि अब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन देखिए इन गैस मास्क को प्रयोग किया जाता था तो पूरे सर को इससे कवर करके, पूरे सर पे आप इसे पहन लेते थे। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से सांस जाए, और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें ये फिल्टर आकर फिट हो जाता था। तो ये उस समय का गैस मास्क है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए तो आप समझेंगे कि परमाणु का खतरा इंसान समझता तो है कि कितना अधिक होता है। इन बरसते बमों का खतरा इंसान समझता तो है, और इसीलिए उससे बचने के ये तरीके भी ईजाद किए जाते हैं, लेकिन आखिर इस युद्ध की जरूरत ही पड़े क्यों, और क्यों इस खतरे में मानवता को पड़ना पड़े। तो परमाणु बंकर के भीतर हम हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इस तरह की धमकियां मिलती हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्म्स हुआ करते थे, आवेदन पत्र जिन्हें भरा जाता, इन्हें किस तरीके से बिस्तरों में तब्दील किया गया है वो भी यहाँ की जरूरतों को बयां कर रहा है। बिस्तर इस तरीके से बने हैं, बीच के हिस्से में ये है, कोई भी नया व्यक्ति आए इसके ऊपर भी उसके बाद बिस्तर बना दिए जाते हैं। दिन भर कहीं भी काम करें, आपकी शिफ्ट खत्म होती है, लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जो लोग कीव में रह गए वो सारे इन सभी ठिकानों को आसरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।